एसीबी की दस्तक से एसएमएस मेडिकल प्रशासन में खलबली मची है। पूरे घटनाक्रम को लेकर कॉलेज प्रशासन ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एसएमएस अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 8:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव भगरट्टा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर भारती मल्होत्रा, कॉलेज के एडवाइजर डॉक्टर दीपक माथुर, एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। और एक दिन पूर्व देर रात ये कार्रवाई की जाती है। फर्स्ट इंडिया आपको लगातार इस कार्रवाई से जुड़ी हर एक अपडेट देता है लगातार। और पूरी कार्रवाई जो सीज करने की हुई वो भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से गिरफ्तार किया गया एसएमएस के मंत्रालयिक कर्मचारी। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, बड़े फैसले हुए हैं एसएमएस में एसीबी की दस्तक के बाद, लेकिन इस बीच क्या निर्णय लिया है कॉलेज प्रशासन ने? देखिए शिखा, जब एसीबी का जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के बाद में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आया है। आज सुबह 8:30 बजे समय से अस्पताल के अंदर बड़ी निरागन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठक जो है उसमें तमाम जो इश्यूज है उन पे चर्चा होगी, ट्रांसपेरेंसी मामलों पर चर्चा होगी, साथ में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से इस तरह का घटनाक्रम जो है अस्पताल में देखने को मिला, उन सभी चीजों के मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में कोई ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे कि आगामी दिनों के अंदर ना तो कामकाज प्रभावित हो और जो का आरोपी जिन्होंने इस तरह कर किया उन सबको बेनकाब किया जा सके। विकास, जानकारी ये भी दीजिएगा कि जब हाई लेवल मीटिंग होगी तो फिर क्या निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि प्राचार्य भी इसमें मौजूद रहेंगे और अन्य साथी भी। जो मीटिंग होगी उस पहले कल एपीएस शिवराज सिंह जो उन्होंने बैठक ली थी और उन्होंने कई कई डायरेक्शन जारी किए थे, तो उन्हीं डायरेक्शनों को आगे कन्वे किया जाएगा, उसी के आधार पर आगे पूरा ठीक है। विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिएगा, जैसा कि सहयोगी विकास बता रहे थे, लगातार ये जो मामला गरमाया है, गिरफ्तारी जो हुई है एसीबी की रडार पर आए हैं और बेहद गंभीर मामला, क्योंकि अंग प्रत्यारोपण विभाग से जुड़ा ये मामला। और देखिएगा, आज सुबह 8:30 बजे बैठक होगी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव भगरट्टा की मौजूदगी में, जिसमें अतिरिक्त प्राचार्य होंगे, एडवाइजर कॉलेज के होंगे। और एक बार फिर चर्चा होगी कि आखिरकार, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, बाबुओं की मनमानी पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जो बात निकल कर आई वो ये थी कि तबादलों के बाद भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अब जब ये पूरा मामला गरमाया रिश्वत देने और लेने का, तो ऐसे में कॉलेज प्रशासन भी व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा है, ताकि भ्रष्टाचारी की जो आंच है वो अन्य विभागों तक ना पहुंचे, क्योंकि ये अस्पताल पूरे ही देश के लिए, यहां से ना सिर्फ उत्तर भारत के लोग पहुंचते हैं बल्कि देश भर से मरीजों की संख्या यहां देखी जाती है।